हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी चाइनीज फ्राइड राइस बा सीजन फ्राइड राइस। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाइनीज फ्राइड राइस बा सीजन फ्राइड राइस बनाने के ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। बासमती चावल मैं पहले ही वॉश करके रखा। वेजिटेबल में कैबेज लिया और कैप्सिकम, एक कैरेट और 2 चम्मच फ्रोजन मटर लिया। लोग फ्रेश मटर ले सकते हैं। एक बड़ा ऑनियन को कट के रखा और 2 ग्रीन चिली, टमाटो सॉस 2 चम्मच, सिजवान सॉस 2 चम्मच, ग्रीन चिली 1/2 चम्मच, सोया सॉस 1 चम्मच, रेड चिली 1 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक और 2 चम्मच। कुकर ले लिया। 1.5 गिलास चावल में पहले से वॉश करके रखा था वो ऐड कर देती हूँ। एक चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल। 1 ग्लास का मेजरमेंट में लिया इसलिए 1 ग्लास में आप लोग को दिखा रहा हूँ। ढाई ग्लास पानी। लीड लगा के 1 सीटी के साथ स्टीम कर लेती हूँ। फुल फ्लेम में 1 सीटी के साथ मैं बॉईल कर लेती हूँ। सीटी हो गया, अब ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। कुकर ठंडा हो गया और लीड ओपन करके आप लोग को दिखाती हूँ। कुकर से निकल के ठंडा होने के लिए एक प्लेट में मैं रख दिया। मैं अगले प्रोसेस में जाऊंगी। कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया। कढ़ाई गर्म हो गया। चाइनीज में थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल लगता है। 2 चम्मच लिया बड़ा चम्मच का। ऑयल गर्म हो गया। अभी जो ऑनियन स्लाइस करके कट के रखा था वो ऐड कर दिया। ऑनियन फ्राई हो गया, जो ग्रीन चिली लिया वो ऐड कर दिया और वेजिटेबल का थोड़ा सॉल्टी कर लूँगी। गाजर, कैप्सिकम, कैबेज और फ्रोजन मटर सब एक साथ ऐड कर दिया। मैं अच्छी तरह से 2 मिनट फ्राई कर लूँगी। आधा चम्मच नमक मैं ऐड कर दिया, जल्दी सॉल्टी हो जाएगा इसके लिए। वेजिटेबल सॉल्टी हो गया। अब सारे सॉस मैं ऐड करूंगी। रेड चिली सॉस 1 चम्मच, ग्रीन चिली सॉस 1 चम्मच। पहले मिक्स कर लेती हूँ और जो टमाटो सॉस 2 चम्मच लिया वो भी ऐड कर दिया। सोया सॉस 1 चम्मच, और मेन जो सिजवान सॉस मैं रेडीमेड लिया। ये होममेड भी बनते हैं, मैं पहले वीडियो में लेके रखा सिजवान सॉस, आप लोग देख सकते हैं। सारे सॉस को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। वेजिटेबल के साथ सारे सॉस मिला के हो गया। अभी जो राइस पहले ही कुकर में बना के रखा था वो ऐड कर दिया और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके जाऊंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। बाकी राइस को भी
ऐड कर देती हूँ और मसाला वेजिटेबल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। पहले ही मैं एक चम्मच सीजन ऐड किया और एक चम्मच लास्ट को मैं ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सिजवान का बहुत अच्छी तरह से टेस्ट आता है, इसके लिए मैं ऐड किया। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, आप लोग को अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, बहुत खाने में टेस्टी बनते हैं। गैस बंद कर देती हूँ। सिजवान फ्राइड राइस व चाइनीज फ्राइड राइस बन के रेडी हो गया। एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। है ना बढ़िया। टेस्टी चाइनीज फ्राइड राइस बन के रेडी हो गया। आप लोग एक बार बनाइए, आप लोग को अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।